गाइस हम लोग कहीं ट्रिप में जा रहे हैं और हम लोग का इमिग्रेशन एंड चेक इन हो चुका है। कहीं जा रहे हैं और वैसे तो आपको टाइटल से समझ आ गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड सुबह ही आए हैं यूएस से अभी, तो अब उन्हें दोबारा से फ्लाई करना है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? थक चुका हूँ, I'm tired। मेरे हस्बैंड बहुत थक गए हैं अभी फिलहाल तो। थैंक यू। सो गाइज अभी हम लोग खाने आए हैं, रेस्टोरेंट में रुके हैं, तो कुछ खाते हैं उसके बाद फिर हम लोग बोर्डिंग के लिए जाएंगे। लेट मी चेक कैसा बना है। बेहतरीन, मजा आ गया। अभी हो रहा है 11:40 और हमारी फ्लाइट थी 12 बजे की, जो थोड़ी सी डिले हो गई है। तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का, और देखो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, चेक कर चुके हैं। किसी होटल में जाएं। अब मैं होटल में जाके आप लोग से कनेक्ट होती हूँ। एंड जो 4 दिन से सोया नहीं है, टायर्ड, बट मैडम को, लेकिन हनोई में ठंड है, यहाँ ठंड है। अभी हम अंदर, अभी हो चिनमिन में, और हमारे बैगेज सबसे पहले आए हैं। डू यू नो दैट? यहाँ ठंड है, मैं तो कांप रही हूँ अभी। नहीं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये है हमारा, ये नहीं, ये है, वो है। हाँ मेरे हस्बैंड को यही नहीं पता उनका लगेज कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अभी हमने डिसाइड किया है हम हनोई एयरपोर्ट में ही लंच करेंगे, फिर उसके बाद हमारी टैक्सी आएगी और हम लोग जाएंगे। गाइस यहाँ हनोई में क्या होता है, हनोई में वियतनाम में जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, इंडिया में तो राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड है।
गाइस अभी बज गए हैं रात के 11:30 और हम लोग आके सिर्फ सो गए थे, तो हमने कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम डिनर करने बाहर आए हैं। वेजिटेरियन है उनके लिए यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं होंगे, कम बहुत कम है, तो हम तो नॉन वेजिटेरियन है तो हमें तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल गए हैं। तो हमने काफ़ी कुछ खा लिया है वैसे, अब मेरे से खाया नहीं जा रहा। सुनो आप खा लो, बर्बाद मत किया करो यार।